हे गाइज, वेलकम टू डिजिटल रब्बानी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट, यानी इंस्टाग्राम में प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाते हैं। हम जो इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं तो वो एक नॉर्मल अकाउंट होता है, यानी कि पर्सनल अकाउंट होता है, तो उस अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कैसे बदलते हैं, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये मेरा एक नॉर्मल अकाउंट है, यानी कि पर्सनल अकाउंट है, और वही यहाँ पे हम आपको दूसरा अकाउंट दिखा रहे हैं जो मेरा मेन आईडी है। तो यहाँ पे दिख रहा है, ये प्रोफेशनल अकाउंट है, यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो हो रहा है। तो आप भी इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट बनाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, इसलिए देखते रहे वीडियो को लास्ट तक। और आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना, और आपने अभी तक डिजिटल रब्बानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि जब भी ऐसी कोई वीडियो लेकर आऊँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना इंस्टाग्राम को ओपन कर लिए, उसके बाद राइट साइड में सबसे नीचे यहाँ पे आपको प्रोफाइल आइकॉन दिखेगा, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट बनाने से पहले हम जान लेते हैं कि इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट होता क्या है, प्रोफेशनल अकाउंट से हमको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट एक बिजनेस अकाउंट होता है, यानी कि आप इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट बना लेते हैं तो आपका इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट बन जाता है। जैसे आप नॉर्मल अकाउंट पे कोई भी फोटो या वीडियो डालते हैं तो वो बहुत कम आदमी तक पहुँचता है, तो उसमें बहुत कम लाइक आता है, बहुत कम कमेंट आता है, बहुत कम आदमी तक उसका रीच पहुँचता है। और वही आपका इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट रहता है तो उस पर आप कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं, फोटो या वीडियो डालते हैं, तो वो ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचता है, तो उस पर ज़्यादा लाइक आता है, ज़्यादा कमेंट आता है। जैसे फेसबुक पर आप 5000 आदमी को ही फ्रेंड बना सकते हैं, यानी 5000 आदमी तक आप जुड़ सकते हैं, लेकिन वही आप पेज बना लेते हैं तो उस पर लाखों करोड़ आदमी से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट पे आपका कितना फॉलोवर आया, कहाँ से आया, कितना लाइक आया, कितना कमेंट आया, सारा चीज़ देख सकते हैं। और वही आपका नॉर्मल अकाउंट रहेगा तो उस पर आप ये चीज़ नहीं देख सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट का एक नुकसान ये है कि उसको आप लॉक नहीं कर सकते, यानी कि प्राइवेट नहीं कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट का सेटिंग अलग रहता है और नॉर्मल अकाउंट का सेटिंग अलग रहता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के लिए राइट साइड में सबसे ऊपर आपको 3 लाइन मिलेगा, तो यहाँ पर हम 3 लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का, तो यहाँ पे हम सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर प्रोफेशनल का, और उसके नीचे यहाँ पे है अकाउंट टाइप एंड टूल, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में एक ऑप्शन मिलेगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट का, तो यहाँ पे हम स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लिए। उसके बाद आपके सामने फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लिए। उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है, यानी जितना कंटिन्यू आएगा सारा के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लिए, फिर से क्लिक कर लिए, उसके बाद फिर से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लिए। उसके बाद फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको कोई एक अपना कैटेगोरी चूज कर लेना है, जैसे आप ब्लॉगर है तो ब्लॉगर चूज कर लेना है, डिजिटल क्रिएटर है तो डिजिटल क्रिएटर चूज कर लेना है, अगर आप फोटोग्राफर है, एडिटर है, राइटर है, जो भी है आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो जैसे हम वीडियो क्रिएटर है तो यहाँ पे हम डिजिटल क्रिएटर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लिए। उसके बाद यहाँ पे हम डन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा देर इंतजार कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट है क्रिएटर का और सेकंड है बिजनेस का। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप बिजनेस के ऊपर टिक कर सकते हैं, अगर आप क्रिएटर है तो क्रिएटर के ऊपर टिक कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे हम क्रिएटर है तो यहाँ पे हम क्रिएटर के ऊपर टिक रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद यहाँ पे हम नीचे वाला में नोट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लिए। उसके बाद यहाँ पे सेटअप योर प्रोफेशनल अकाउंट, अगर आप अपना अकाउंट को सेटअप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, या बाद में भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, तो चलिए इसे हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम कट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका प्रोफेशनल अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है मेरा प्रोफेशनल अकाउंट बनके तैयार हो गया है, तो आपका भी प्रोफेशनल अकाउंट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 of 5 step complete, यानी कि ये ऑप्शन आपको आ जाएगा तो आपका प्रोफेशनल अकाउंट बन जाएगा।
यहाँ पे आपको हम बैक आके भी दिखा देते हैं। यहाँ पे हम बैक आ गए, उसके बाद इसको क्लियर कर लिए, उसके बाद यहाँ पे हम दोबारा से अपना इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे। तो चलिए हम ओपन कर लिए, उसके बाद फिर यहाँ पे हम अपना लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लिए, उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है मेरा प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो हो रहा है, यानी आपका प्रोफेशनल अकाउंट रहेगा तभी यहाँ पे आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो होगा। इससे पहले मेरा नॉर्मल अकाउंट था तो यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो नहीं हो रहा था, अब मेरा प्रोफेशनल अकाउंट बन गया है तो यहाँ पे दिख रहा है प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो हो रहा है। कितना फॉलोवर आया, कहाँ से आया, मेरा अकाउंट का रीच कितना आदमी तक पहुंचा, वो चीज देखना है तो उसके लिए यहाँ पे हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मेरा नया अकाउंट है, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है जीरो पोस्ट है, जीरो फॉलोवर है, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। इंस्टाग्राम प्रोफेशनल डैशबोर्ड कैसे हटाते हैं उसके बारे में जानना तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरह बहुत ही आसानी से इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ।